गाइस, ये जो आपने अभी क्लिप देखा बच्चों का नमे का, ये तब का क्लिप है जब नमे मेरे पास आया था। तो जैसे कृष्णा गुड मॉर्निंग बोल रहा था, सो गाइस काफ़ी दिनों के ब्लॉग बना रही हूँ मैं, क्योंकि इतने दिनों से मैं गाँव थी। मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट छोटे वाले ब्लॉग में कि दादी जी की डेथ हो गई थी मेरी दादी ससुर की। तो आज मैं आई हूँ शोरूम पर और अभी मैं जाऊँगी घर, और घर पर आए हुए हैं दोनों बच्चे भाभीियों के और नमे। तो अभी वो लोग मिक्की के पास है और मैं अभी ऑफिस में थी और घर जाकर मिलाई आपको उनसे। तो मिले रहिए, बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। और गाइस, मेरे जो साथ में रहते हैं मैम, वो नहीं है मेरे साथ क्योंकि वो गए हैं केदारनाथ। मुझे भी जाना था, मेरा भी सपना है केदारनाथ जाने का। तो बहुत जल्द जाएंगे केदारनाथ, ट्राई करूँगी मैं भी जल्दी से जल्दी महादेव मुझे बुलाए। तो आप लोग प्रेयर करिए कि जल्दी से मैं भी केदारनाथ होके आऊँ, मुझे बहुत मन है जाने का। देखते हैं कब जाना हो। आ गई घर पे और घर पे देखिए छोटा सा सांप का बच्चा आया, ये छोटू सा। नमे कौन है? सांप है, प्यांजल थोड़ा ना है, सांप है। सांप कहाँ से आया? ये कहाँ पे था प्यांजल? ये आ गई है बहुत तेज की बारिश, तो इतने बारिश आ रही है। तकरीबन मैं बना लेती हूँ रोटी, खाना खाओगे? मैं भी बनाऊँ। तो बच्चों को खुश रखना पड़ता है, बच्चों का बच्चा बनना पड़ता है, क्योंकि ये लोग मेरे पास हैं, मेरी जिम्मेदारी बनके, तो इनको ध्यान से रखना पड़ेगा। सो गाइस, अभी मैं चढ़ रही थी ऊपर अपना बल्ब ठीक करने के लिए अकेली। मेरे को बहुत तेज डर लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ऊपर हूँ, तो फटाफट से नीचे उतरती हूँ। हाँ बेटा, पकड़ ले सीढ़ी, पकड़ ले मेरे बेटा, क्योंकि मम्मा को लग रहा है बहुत जोर से डर। आपको दू? ये देखो फोन मांग रहे हैं मेरे को दू। सो गाइस, अभी मैंने बनाई है थोड़ी सी वीडियो। ये देखिए नमे के साथ कुछ भी चीज़ के साथ भी बनाई है मैंने। जय माता दी। तो बहुत दिन बाद में मेरी बेटी मिली हूँ, बहुत 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 दिन, बहुत बहुत दिन, बहुत दिन बहुत। नहीं लगा आपके? नहीं लगा, मम्मा नहीं लगाई, आपके मम्मा के लगा रहा, देखो आपके नहीं लगा शैतान। अच्छा नहीं लगा। मैं करती हूँ गाइस खाने की तैयारी, क्योंकि बारिश भी रुक गई है, फिर लाइट भी चली जाएगी वरना। तो रोटी वोटी बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या बनाना है। मैंने बनाई है बच्चों के लिए मैगी, तो ये अपने अपने लेके बैठ गए खा रहे हैं मैगी। अच्छी लगी? थैंक यू बोलो। अच्छी लगी ना मैं? थैंक यू, थैंक यू। मैगी बनाने के बाद अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए दलिया। और ये देखिए तीनों कैसे लेट, जल्दी से लेटो, जल्दी से लेटो, जैसे लेटाया तो मैंने वैसे लेटो, जल्दी से। सबसे बड़ी वाली दीदी आगे लेटेगी और छोटी वाली, अच्छा यहाँ पे यहाँ लेटोगे, तीनों लेट गए। तो गाइस घर की बहुत ज़्यादा गंदगी हालत कर दी इन लोगों ने, तो फाइनली मैंने सफाई कर दी है, इनको बिछा दिया है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने सारी चद्दर कैसे सेट करी है, पूरी बिखर रही थी। पलंग थोड़ा देखकर रखा क्योंकि यहाँ से पानी चू रहा था हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे पूरा सफाई कर दिया। अब भी तो अच्छा लग रहा है देखने में, यहाँ का पूरा सामान समेट दिया मैंने। तो ये देखिए पूरा कमरा कितना अच्छा लग रहा है। और आप चलते हैं इस वाले कमरे में, तो इसकी मैंने सफाई करी है, ये चद्दर भी ठीक कर दी यहाँ की और ये वाली भी ठीक कर दी। तो फाइनली ये वाला कमरा भी सफाई हो चुकी है और रसोई में भी सफाई कर दी है मैंने। रसोई में बहुत सारा सामान फैल रहा था, अब कुछ भी नहीं फैल रहा। तो और सोने का ये फ़ायदा होता है, आदमी लोग गंदगी बचा के रखते हैं और उनके हिसाब से मैं गंदगी बचा के रखती हूँ। तो ये सफाई हो चुकी है, तो अब मैं लाइट शो कर देती हूँ ऑफ। और बच्चे को खिलाती हूँ पहले मैं दलिया, जो कि मैंने खिचड़ी बनाई के लिए। बन गया बच्चों के लिए दलिया, और इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा घी। अब मैं ये जाकर बच्चों को खिला देती हूँ ताकि तीनों का पेट भर जाए और तीनों आराम से सो जाए। चलो बच्चों, खिचड़ी रेडी है, खाओगे ना? चलो तीनों नीचे बैठो, जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 जल्दी। तो दोस्तों बच्चों ने खा लिया खाना और ये लेट गए हैं तीनों इधर उस वाले खाट पे। उधर प्रियांजल लेटी है, फिर लेटी है हमारी जैकलीन और ये नमे। तीनों बच्चे सो गए हैं, कूलर चला दिया है मैंने और कंबल भी रख लिया ताकि अगर रात को ठंड लगे तो कंबल उड़ के सो सके। तो मैं सोऊंगी इनके पास और वो दोनों भाई सो जाएंगे सामने कमरे में, ताकि हम भी अकेले ना होए।
हाँ हाँ ये बताएगा, ये बताएगा ना मैम, बता हाँ बता। यहाँ से तो हाथ कटा, यहाँ से तो हाथ कटा, ऐसे रख। हल्दी नाना। हाँ वो कंबल है। हल्दी कमे है। और उधर दीदी है, बता। मैं काटू। बोल उधर दीदी है। मैंने काटू। हाथ कटा है ऐसे, यहाँ रख। मैंने दा। हाँ बता। दीदी बोली यहाँ सोये। हाँ दीदी यहाँ सो रही है। सो रही है। मम्मा का रखा है। कंबल वो रखा है। मम्मा का है। मॉक सो गया है। बस बन गया ब्लॉग तो ना। मैंने ब्लॉग बना लिया कि दीदी वो सो रही है, कंबल वहाँ रखा है और नमे ये सो रहा है। सो जा। तो मैं ये दिल्ली से लेके आई थी गाइस, इसमें इलेक्ट्रिक लगी हुई है और बल्ब जल रहा है, जैसे मच्छर इसके पास जाएंगे वो जल के मर जाएंगे। बूम। सोचो 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 सोचो। गुड़िया कहाँ निकल रही है, ओढ़ो। आप तकिए पे सोओगे क्या, है नमे? सबको बोलो गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। प्रियंका बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। चलो ठीक गाइस, इन लोगों का सोना, सोते सोते उठ गए ये और हमें कर रहे थे क्योंकि अभी वहाँ वीडियो बनने वाली है, रिंग लाइट लग गई है, तो ये तीनों के तीनों उठ चुके। ये भी चली, देखो ये लेटी थी, ये भी चली। क्या हो रहा है मैं शैतान शैतान सुगले सुगले सुगले। गाइस ये जो आपने अभी क्लिप देखा बच्चों का नमे का, ये तब का क्लिप है जब नमे मेरे पास आया था गांव से और काफ़ी दिन तक मेरे पास रहा, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ब्लॉग ना बनाने का रीज़न ये था कि दादी जी एक्सपायर हो गए थे, तो अब उनके 11-12 दिन जो भी थे वो पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए इस टाइम ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं था। और मैं उस टाइम गाँव में भी थी, बीच बीच में गाँव जाती रही, ऑफिस की छुट्टियाँ काफ़ी सारी 3-4 करनी पड़ी थी मुझे, तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहा था। और अभी भी 11 दिन उनके बाद नमे को वापस में छोड़ के आई हूँ। ये क्लिप तब का है जब नमे आया था, अब नमे वापस जा चुका है दादी के पास, 5-6 दिन मेरे पास रहा था वो, लेकिन उस बीच में ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, तो ये क्लिप मैं अब डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से नमे को आप लोगों ने ब्लॉग में देखा नहीं है, इसलिए। तो अब देखते हैं नमे कब आता, 3-4 दिन मम्मी और गाँव रुकेंगी फिर मम्मी आ जाएंगी। तो गाइस यही था, इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाला और ये पुराना क्लिप था, इसमें मैंने यार क्लिप ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया।